मन्नत क्या इस्लाम में मदद मानने की गुंजाइश है? मिन्नत मानने की अच्छा मिन्नत मानने की गुंजाइश तो खैर असल बात तो यह है कि बंदियों को अल्लाह ताला से मिन्नत के बजाय ना खैर का काम खुद करना चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमा दिया तो मैं उम्रा करूँगा, अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूँगा, 4 रकात 10 रकात नमाज पढ़ूँगा, इसके बजाय आप बगैर मिन्नत के भी काम कर सकते हैं। एक रवायत में है कि बखील से ना कुछ निकालने के लिए तरीका है मिन्नत, बखील से कुछ निकालने के लिए एक तरीका है। बाकी ये है कि किसी बंदे ने मिन्नत मानी, मिन्नत का तरीका क्या है, अल्लाह ने अगर फलान काम कर दिया मेरा तो मैं इतनी रकात नमाज पढ़ूँगा, या फ़र्ज़ करें मैं इतनी रोज़े रखूँगा, ये सब मिन्नत मानना जायज़ है और हो सक उसको पूरा करना भी ज़रूरी है, वाजिब है। किस तरह, अगर अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमा दिया तो मैं 3 रोज़े रखूँगा, अब आपको 3 रोज़े रखने पड़ेंगे क्योंकि ये जायज़ और शरई मिन्नत है। बुराई तब आती है जब आप ऐसी मिन्नत माने जिसकी शरीयत में गुंजाइश मौजूद ना हो, या वो काम शरीयत की तरफ से किसी मौके पर लाजिम ना हो चुका हो। उसको कहते हैं कि सब मिन्नत उस चीज़ की मान सकते हैं जो इबादत मकसूदा की ज़िमन में हो, यानी ऐसी इबादत हो जिसके बारे में शरीयत ने कहीं ना कहीं अमर किया हुआ हो और वो चीज़ मकसूद हो शरीयत को, उसकी तलब हो। मिसाल के तौर पर शरीयत ने आपसे नमाज के बारे में डिमांड किया हुआ है, अब आप नमाज का मिन्नत मान सकते हैं, रोज़े का डिमांड है शरीयत का, रमज़ान के रोज़े आप रोज़ो का मिन्नत। लेकिन अगर आपने कहा अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैंने 3 दिन नंगे पाँव चलना होगा, अब 3 दिन नंगे पाँव चलने का शरीयत ने कहीं हौक हकम नहीं किया हुआ है, लिहाजा ये मिन्नत पूरा करना लाजिमी नहीं है। आप वैसे सबको खैरात करो, फ़करात को मसाकिन को खिलाओ, लेकिन आपको ये मिन्नत, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैंने फ़लाँ मस्जिद की इतनी बार झाड़ू देना है, अब इसका शरीयत ने हुक्मताओं को नहीं किया हुआ है ना, अमर तो नहीं किया हुआ है, इसका पूरा करना आपके लिए ज़रूरी। हाँ करें अच्छी बात है, सवाब का खैर का काम है, लेकिन मिन्नत की शक्ल में पूरा करना आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी जो है वो नहीं, इसके बजाय आप खैरात करो, सदका करो। तो बाकी मिन्नत बुरी चीज़ का नहीं मानना चाहिए, अगर मेरा फलान काम हुआ तो मैंने फलान को थप्पड़ मारना है, अब आपको थप्पड़ मारने की कोई इजाज़त नहीं है ना, आपको मार सकते हैं। मिसाल के तौर पर फलान काम हुआ तो मैंने फलान बंदे को जो है फलान बंदे से इतने पैसे लेने हैं, लूँगा मैं, अब ये जो है ये कोई मिन्नत नहीं हुआ ना, उसको पूरा करना ज़रूरी है ना, ऐसी मिन्नत माननी चाहिए। अशरई मिन्नत हो उसको बंदा कर भी सकता है, ले भी सकता है, अमल भी कर सकता है।